नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे और किसान कानून का विरोध किया। मोहम्मद तंजीम, गयूर अहमद, अबूजर अहमद व नईम प्रधान, गांव आमकी से किसान यूनियन अध्यक्ष विनय कुमार और आसपास के सभी गांव के किसान शामिल हुए। और किसानों का कहना है कि हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक तीनों बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा। और पुलिस प्रशासन भी भारी मात्रा में मौजूद थी। सहारनपुर संवाददाता मोहम्मद तनवीर की रिपोर्ट। तो प्रधान जी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं कहना तो ये है, हमें तो ये कानून जो है ना वापस लेना है। संशोधन की तो कोई बात है ही नहीं। तो ये बार बार सरकार कहती कह रहे हम संशोधन कर रहे हैं और बैठ कर बात होगी। बैठ कर तो बात पता नहीं कितनी बार होगी। बार बार हम मीटिंग में भी जा रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि है मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन मैं एक ही बात कर रहा हूँ भाई, कानून वापस लो। जैसा कि आपको लगता है कि आज का किसान सड़कों पर उतरा हुआ है, तो क्या आप इसके बारे में कहना चाहोगे? वापस सरकार के कानून ले लिया नहीं लेंगे भाई? सरकार कानून तो वापस सरकार को लेना ही पड़ेगा। बात बोल रहे हम तो विरोध प्रदर्शन कर रहे करते रहते हैं, हम इस बार भी है। देखो क्या होगा, माना सरकार कहती जाएगा हम यानी अध्यक्ष को संशोधन कर देते हैं, तो हमारा तो एक बात था भाई, बात बोल रहे हैं आपको वापस नहीं लेना पड़ेगा। यदि चलेगा काम नहीं तो बस अभी तो शुरुआत है। 2022 का चुनाव विधानसभा का, फिर उसके बाद 2024 का भाई सेंटर का चुनाव है भाई, देखते हैं। पर हम तो 2022 में भी डटे रहे हैं, 2024 में भी डटे रहे हैं, डटे ही रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं लेते।